Welcome back and thanks for staying with us. Bringing you another top headline here from the national capital. Politics heats up over Chhath Puja as thousands defy Delhi court's orders, flooding the Yamuna banks. Both the BJP as well as Congress has slammed Aam Aadmi Party for its handling of Delhi's pollution crisis, citing worsening air quality and toxic froth in the Yamuna River. BJP accused the Aam Aadmi Party of politicizing the festival and failing to prepare adequately for the grand celebration of the Purvanchali community. With the pollution level at alarming highs at this point of time, the blame game continues as the Aam Aadmi Party faces mounting criticism from all the directions. हम छठ पूजा करते हैं, फिर सुबह में आते हैं, वापस छठ पूजा करते हैं, सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, डूबते हुए सूर्य देवता को, उगते हुए सूर्य देवता को। कितने दिन तक जो है छठ पूजा मनाया जाता है? चार दिन। चारों दिनों का अगर आप महत्व बताना चाहेंगे? पहले दिन होता है खरना, दूसरे दिन होता है, दूसरे दिन छठ पूजा रखते हैं, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, चौथे दिन उगते हुए सूर्य को। बेसिकली ये महिलाओं को बहुत सारा, इससे पार्ट ऑफ एनर्जी, ये महिलाओं को बहुत सारा एनर्जी प्रदान करती है। आप महिलाओं को देखेंगे ज़्यादा तो वो लोग भूख पाते हैं, जेंट्स लोग उतना नहीं भूख पाते हैं, महिलाओं ज़्यादा शक्ति सहन कर पाती है, इसके लिए महिलाएं ज़्यादा करती है करके। ये छठ पूजा होती है एंड बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे बिहारी, यूपी, ठीक है, इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उगते हुए सूरज की, डूबते हुए सूरज की, छठी मैया की, इनकी पूजा करना मतलब सबसे ज़्यादा प्राउड की बात होती है। एंड ये सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि शांति के लिए, बच्चों के लिए, सद्बुद्धि के लिए, सारी चीज़ों के लिए ये चीज़ें की जाती है। सभी पूर्वांचली भाइयों बहनों को और दिल्ली के सभी निवासियों को छठ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली में आज छठ का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली के हर कोने में, हर गली में, हर मोहल्ले में इसी तरह दिल्ली सरकार द्वारा छठ घाट बनाए गए हैं। आज मैंने भी अभी छठी मैया की पूजा करी है और छठी मैया से और भगवान भास्कर से सभी दिल्ली वासियों के सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। दिल्ली सरकार दिल्ली के सभी हिस्सों में ऐसे भव्य छठ घाट बनाती है कि कहीं भी कभी भी हमारे पूर्वांचली भाइयों बहनों को ऐसा ना लगे कि वो अपने गांव से, अपने शहर से, अपने घर से कहीं दूर हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि सबको खूब खुशियां दे, सबकी मनोकामना पूरी करे। दिल्ली सरकार ने जगह जगह, बहुत जगह पे दिल्ली सरकार ने छठ पूजा का आयोजन किया है ताकि लोगों को अपने घर से बहुत दूर न जाना पड़े। सबके कॉलोनीज के अंदर, मोहल्ले के अंदर छठ पूजा का आयोजन किया गया है। सब लोग अच्छे से पूजन करें, अच्छे से छठी मैया का आशीर्वाद लें और सबको छठी मैया खूब खुश रखें। यमुना जी साफ 365 दिन नहीं रहती हैं, छठ वाले यमुना जी को साफ करते हैं। छठ के कारण यमुना जी एक महीना साफ रहती हैं और जिनको 340 दिन साफ करने की जिम्मेदारी है वो तो नहीं कर रहे, उनको तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं हैरान हूँ, मैं बहुत दुख में हूँ, जो लोग इस संस्कृति को बदनाम करने में लगे और सब तो सब सरकारें, और सरकार नहीं दिल्ली की सरकार, वो इसको बैन करने में लगी है।